बाद देखिए टूट जा रहा है, ईटा पकड़ने के बाद टूट जा रहा है। इससे कहाँ है डीएम, कहाँ है प्रशासन? यह ईटा को हम तोड़ दे रहे हैं नीतीश जी। हाँ, कहाँ आपका प्रोजेक्ट है, कहाँ आप दिखा रहे हैं? हम लखनपुर गांव में आए हैं, जहाँ के एक महादलित मुसर परिवार के मजबूत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अमीरक मांझी का हत्या किया गया। कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने आज से लगभग एक डेढ़ महीना दो महीना पहले उसकी हत्या किया है। उसी दरमियान में अभी तक जिन जिन पर केस हुआ है किसी को पकड़ा नहीं गया है, किसी को उसमें जो है अभी तक दंडित नहीं किया गया है, सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और सभी अभी फरार चल रहे हैं। जो कि कहाँ है वो बेटा, कहाँ है? तुम इधर आओ रूपन, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम ये अमीरक मांझी का बेटा है। इस पर भी बाद में 28 तारीख को FIR किया है कि हम लोगों को मारने और रंगबाजी मांगने के कारण जो है यह घटना घटी है। ये साजिश के तहत लोगों को फंसाया गया, गरीब को तंग तबाह आज भी किया जा रहा है। यह नीतीश कुमार जी के सुशासन राज में कोई भी गरीब दलित बैकवर्ड जो है जिंदा ना रहे, और सामंती का जब तक पैर नहीं छुएगा, पैर नहीं पकड़ेगा, तब तक कोई जो है इज्जत पूर्वक नहीं रह सकता है। यही नीतीश कुमार जी का सुशासन सरकार है। इसी दरमियान में जब हम आज स्वर्गीय अमीरक मांझी के परिवार से दुख बांटने के लिए, दर्द बांटने के लिए आज हम इनके यहाँ आए, तो इसी पश्चात आज 7 निश्चय से लखनपुर में जो काम हो रहा है उस काम को भी दिखाने का काम 7 निश्चय का, यही नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय। और ये अमीरक मांझी, स्वर्गीय अमीरक मांझी जी की पत्नी धर्मपत्नी है, ये भी आई है, और ये 7 निश्चय के माध्यम से ये काम हो रहा है। हम बिहार सरकार के सुशासन सरकार, जो अपने आप को ईमानदार और सच्चा कहने वाला नीतीश कुमार जी और बिहार और जिला के सभी पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में, जो चोरी में जो संलिप्त हैं, उसका एक साक्षात आईना। एक तो लोगों के हत्या करने के बाद गरीब को डराया जाता है, धमकाया जाता है, फंसाया जाता है उल्टा केस करके, और जो अपराधी है अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है, उल्टे जो है गरीब, वह अमीरक मांझी जिसकी हत्या 27 तारीख को हो जाता है और 28 तारीख को अमीरक मांझी पर भी केस किया जाता है कि अपहरण करने में अमीरक मांझी भी साथ थे। दुर्भाग्य है कि ऐसे केस भी जो है सुशासन सरकार के पुलिस प्रशासन लेने का काम करता है। उसी दरमियान में हम आए यहाँ तो नाला दिखाने का काम किया, या नीतीश कुमार का 7 निश्चय ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका कि सपना उन्होंने देखा है, जो 24,000 करोड़ रुपया का लूट 7 निश्चय के माध्यम से पूरे बिहार में 24,000 करोड़ का जो लूट कर रहे हैं, उसका एक आईना है कि 7 निश्चय से नली गली बना रहे हैं। इसको जरा सा देखा जाए, ईटा पकड़ने के बाद देखिए टूट जा रहा है, ईटा पकड़ने के बाद टूट जा रहा है। इससे कहाँ है डीएम, कहाँ है प्रशासन, कौन पीओ है, कौन पेमेंट कर रहा है, कहाँ है प्रखंड के वीडियो? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वीडियो साहब कहाँ है और जिला अधिकारी महोदय कहाँ है, DDC 7 निश्चय कौन देखता है, DDC कहाँ है, इस ईटा को देखने का काम करें और अभी तुरंत लगाइए, एक दूसरा ईटा लेते हैं, हो सके कि उसको कहेगा कि खराब है, ईटा पकड़ने के बाद ही टूट जा रहा है। देखिए ये है ईटा। दुर्भाग्य है यह सुशासन सरकार में जो काला शासन नीतीश कुमार का चल रहा है, और प्रशासन के माध्यम से गुंडागर्दी और लूट, यह पूरे बिहार का यह एक काला सच है कि नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, जिसमें
नली गली में लूट, आपको लघु सिंचाई से लूट, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें जो है लूट 24,000 करोड़ रुपया। मैं बार बार जनता के सामने बोल रहा हूँ कि 24,000 करोड़ रुपया का ये पूरे बिहार में प्रोजेक्ट है, और सभी जगह इसी तरह से बंदर बांट और लूट नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसमें कि राज्य सरकार को 70% घूस कमीशन जाता है। आप इस ईटा को देख लीजिए, यदि थोड़ा सा भी शर्म प्रशासन को, थोड़ा सा भी शर्म है प्रशासन को, जिला के पदाधिकारी को होगा, तो अपने से या तो सस्पेंड करे, एफआईआर करे, या खुद जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम करे। थोड़ा सा भी शर्म हो, थोड़ा सा भी जो है गरीबों के प्रति दया हो कि जो है एक काम हो रहा है जो कि कल जो है नाला बनेगा, लोगों के काम होगा, इस तरह से लूट किया जा रहा है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार कहाँ है? सुशील मोदी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, सबका इज्जत सबका सम्मान, सबको सम्मान सबको रोजगार, यही रोजगार गरीब को दे रहे हैं, यही रोजगार है गरीब के पास, सात निश्चय। दुर्भाग्य है, लानत है, इसलिए बड़ी शर्म की बात है। और इसको टैग कर दो, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी से टैग कर दो। ये लखनपुर गांव, जम्मू प्रखंड में लखनपुर गांव, जहां की अमीरक पांजी राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत कार्यकर्ता का लोगों ने हत्या किया, उसी दरमियान में हम आए, तो यह सात निश्चय का काम दिखाने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी को लगा, ये है ईटा, एक ईटा नहीं हजारों ईटा देख सकते हैं, सैकड़ों ईटा यहाँ रखा हुआ है, देखिए। ये सात निश्चय नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, देखिए ये पूरा ईटा है, ये पूरा ईटा है, देखिए ये पूरा ईटा है, देखिए नीतीश कुमार जी का ईटा, नीतीश कुमार जी का ईटा। कहेगा कि जाधव है, यह लिए मजबूत है, इसलिए तोड़ दिया ईटवा को। कल के तारीख में यह भी कहेगा कि लालू यादव के लाठी का ताकत है, इसीलिए ईटा को तोड़ दिया। एगो छोटा बच्चा के तोड़ो, कहीं यह नहीं कहे कि बहाना है, इसको तोड़ो, यही तोड़ो, सब तोड़ देगा जो पैसे ठोको न। अरे ये है ईटा, ये देखिए, ये नीतीश कुमार का ईटा। तुम तोड़ो, लो लो इसको तोड़ो, सात निश्चय का ईटा, बोलो सात निश्चय का ईटा है, बोलो सात निश्चय का नीतीश कुमार का ईटा, सात निश्चय के नीतीश कुमार के ईटा है। हम तोड़ दे रहे हैं, कहो कि यह ईटा को हम तोड़ दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, यह ईटा को हम तोड़ दे रहे हैं नीतीश जी। हाँ, कहाँ आपका प्रोजेक्ट है, कहाँ आप दिखा रहे हैं? यही विकास है, यही ईटा, ईमानदारी के साथ काम। देखो तो देखो, देखो दिखाओ नहीं से ईटवा, ईटवा दिखाओ नहीं, पकड़ के दिखाओ नहीं ईटा, उठाओ सतुआ सुना जाएगा, सतुआ। ये है ईटा नीतीश कुमार जी का, शर्म लगता है, दुर्भाग्य है। ऑफर है सर।